तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम बॉल फ्राई बनाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या पड़ता है वो भी हम बताने वाले हैं। तो आधी और लहसुन को बारीक आप काट लीजिएगा, और मिर्ची को भी काट लीजिएगा, और धनिया को और प्याज को भी बारीक में काट लीजिएगा, और जो टमाटर है उन्हें हमें घसना है, और अंडे को भी घसना है। तो आज हमारी मम्मी बनाएंगी, आप देखिए। तो मम्मी जी जीरा डाल चुकी हैं, अब डालने जा रही हैं लहसुन और आधी का पेस्ट। इसके बाद डालेंगी प्याज। तो दोस्तों हम इनको इसको पाँच और सात मिनट तक इसको भूनेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी संडे को हम लोग बारीक काट लेंगे। तो अब हमारा तड़का लाल हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ अंडा। अब इसको भी हम लोग लाल होने तक भूनेंगे। घिसा हुआ टमाटर, अब इसमें हम लोग डालेंगे घिसा हुआ टमाटर, और इसको डाल के पूरा मिला लेना है। स्वाद अनुसार हम लोग डालेंगे हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च, स्वाद अनुसार डाल लेना है नमक। दोस्तों अब हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसको बढ़िया से पका लेंगे। तो हो गया हमारा बॉल फ्राई तैयार, अब थोड़ा सा धनिया डालकर उतार लेंगे। तो दोस्तों अब हो चुका है हमारा बॉल फ्राई और पाव तैयार, ये बहुत स्वादिष्ट होता है, आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।